कबीर कहते हैं, नर हरि लाग दौ बिकार बिन इंधन मिले न बुझावन। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। पानी माह पषाण को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक नजरे जरे नौनारी युक्त न काहू जानी। सहर जरे पहरु सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे बस्त निज उभरे बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूजिन मन की श्रद्धा। करत विचार जन्म गो खीसे ईतन रहत असादा। जान बोझ जो कपट करतु हैं तेही असमंदन कोई। काई कबीर तेही मोड़ को भला कवन विधि होई। कहें कबीर तेही मूढ़ को भला कवन विधि होई। कबीर साहब की वाणी विदग्धात्मक है क्योंकि उनका हृदय ही विदग्धात्मक है। उनका हृदय आग का गोला सारे विकारों को जला देने वाला और फिर बर्फ के समान शीतल। नर हरि लाग ए नर तू हरि में लग। नर हरि लाग, नर का अर्थ क्या है? जो न रमण करे वो नर है। नर ना निषेध रा रमण। जो दुनिया में रमण न करे वो हरि नर है। जो दुनिया में रमण करे वो नर नहीं पशु। दुनियादारी का रमण छोड़ दो। दुनिया में रमण करते करते आंसू बहाए और कुछ पाए नहीं। दुनिया में मोह कर कर के जले हो और कुछ नहीं पाए। अशुभ में मोह करो तो जलना है, शुभ में अगर मोह करो तो उसमें भी जलना है। शुभ का काम करो उसमें भी रमो ना। जो हैं हितैषी कार्य सो सजग बिन भटकावने। विशाल देव ने कहा है जो हितैषी कार्य हैं सावधान न रहो तो उसमें भी भटक जाओगे। नर ऐ नर न रमण करने वाला, तेरा स्वभाव ही होना चाहिए दुनिया में रमण न करे, दुनिया में मोह न करे। हरि लाग हरि में लग। हरि का अर्थ है जो हरण करे, हमारे अज्ञान और दुख को हरण करे वो हरि है। और प्रत्यक्ष हरि सदगुरु संत हैं, वह हमारे विकारों को हरण करते हैं, वह हमारे अज्ञान को हरण करते हैं। बोध देकर विचार देकर समझ देकर हमारे विकारों का हरण करते हैं। अवंततः हरि आत्मा है, अपना स्वरूप है। हरि शब्द उपासना में ईसा के बाद शुरू हुआ है। वेदों में हरि शब्द है लेकिन उसका अर्थ है अश्व, और वह अश्व जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों को अश्व कहा गया है और उसको वेद में हरि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ वानर, हरीश्वर है। सुग्रीव बाली को हरीश्वर, हरियों का मालिक, वानरों का मालिक कहा गया है। हरि का अर्थ हरिजन हंस दशालिये डोले। बीजक के शब्द में व्याख्या करते हुए मैंने ऐतिहासिक चीजें रखी है। पारसी परंपरा के लोग ईरान में रहते थे और वे लोग, उन लोगों का उपास का नाम था अहर मजदा। सासानी भाषा में उसको हरमुज कहते हैं, सामान्य भाषा में हरमुज और शुद्ध फारसी भाषा में अहर मजदा। भारत के विद्वानों ने
जब उधर संपर्क किया तो इन्होंने अपने ढंग से उसको कहा हरि मेधस। भिन्न भाषा वाले शब्द बदल देते हैं। ब्राह्मण को मुसलमान लोग पाए ब्राह्मण कहते हैं, तो हर मजदा को संस्कृत के पंडितों ने हरि मेधस कहा, और आगे मेधस उड़ गया, हरि रह गया, और हरि भजन शुरू हो गया। ये गुप्त काल में शुरू हुआ। ईसा के करीब 300 वर्ष बाद हरि भजन शुरू हुआ। पहले हरि भजन नहीं था, अपने ढंग से था, ये शब्द नहीं था, इसका प्रयोग नहीं था। जैसे राम शब्द का प्रयोग उपासना आज से 1000 वर्ष पूर्व नहीं था, ओम का प्रयोग था। राम उपासनी रूप में राम शब्द का प्रयोग उपासना में 1000 वर्ष के पूर्व नहीं था। 1000 वर्ष से राम शब्द उपासना के क्षेत्र में आया है, और हरि शब्द 1500 वर्ष पूर्व से आया है। ये शब्द आते जाते रहते हैं, लेकिन मूल तत्व नित्य रहता है। मुसलमान लोग आज भी हरि राम नहीं कहते हैं, लेकिन उपासना उनकी भी है। हिंदू अल्लाह नहीं कहते हैं, लेकिन हिंदुओं की उपासना है। गॉड शब्द दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन गॉड शब्द कोई 700 वर्षों से है। उसके पहले गॉड शब्द का प्रयोग नहीं था। पानी हम लोग पीते हैं, वैदिक युग में पानी नहीं पिया जाता था, आप पिया जाता, आप, और उसको अरबी फारसी वाले आब कहते हैं, और हमारे परंपरा के लोग आप कहते थे, अप भी कहते थे, उसी को जल कहते थे, सलिल भी कहा गया है। बहते हुए पानी को प्राय सलिल कहा गया। बंगाली लोग जौल कहते हैं, खींच करके, अंग्रेजी वाले वाटर कहते हैं। भाषा समय समय से आती जाती रहती है, शब्द बनते बिगड़ते रहते हैं, वस्तु वही रहती है। जो उपासनी तत्व है वो अनादि अनंत है। नाम बीच में आते जाते रहते हैं, और नाम को लोग लड़ते हैं, इसी पर साहेब फटकारते हैं। साहेब जब अपना काव्य कह रहे थे, उसके करीब करीब 1000 वर्ष पूर्व, और राम शब्द का प्रचलन उसके करीब करीब 300-400 वर्ष पूर्व से था, इसलिए राम हरि ये शब्दों को साहेब ने लिया। एक निराकार हरि है, उसकी उपासना करें तो हम कल्पना करेंगे, वो हमारे मन की कल्पना होगा, उससे बातचीत नहीं हो सकती है, मुलाकात भी नहीं हो सकती है, मन की कल्पना है। अगर मूर्तियों के सामने हम उपासना करें, वो भी बोध कभी नहीं दे सकता है, मूर्ति बोध नहीं देती, बोलती नहीं। जो प्रत्यक्ष है, सदगुरु जानदार है, विवेकवान है, समझता है, वह ज्ञान देगा, बोध देगा। इसलिए जो सगुण हरि है, जो बोधदाता हरि है, जो कल्याण का आधार बनने वाला, वो सदगुरु है, और सहायक संत है, और भक्त भी है। अंततः विराट रूप में हरि ये समाज है। सहस्र ईसा पुरुषा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, सभूमि विश्वतो वृत्ता तिष्ठ दशांगुलम, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आता है। पुरुष सूक्त में बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं। सहस्र ईसा पुरुषा, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, जो ब्रह्म है उसके हजारों सिर हैं, हजार सिर है, सहस्र है, हजार सिर है, हजार आँख है, हजार पैर है,
शरणाचार्य ने भाष्य में कहा है, शरणाचार्य आज से 700 वर्ष पूर्व हुए, 600-700 वर्ष पूर्व उन्होंने संस्कृत में ऋग्वेद और अथर्ववेद की टीका लिखी है जिसको भाष्य कहते हैं। तो उन्होंने इसके भाष्य में लिखा है कि यहाँ हजार से अर्थ हजार की संख्या नहीं है किंतु असंख्य, उस विराट पुरुष के असंख्य हाथ पैर आँख सब है। और उसका अर्थ है जो प्राणियों की सामूहिकता है यही विराट पुरुष है, और एक एक व्यक्ति उसके अंग है। जैसे यहाँ पर इतना समाज बैठा है, ये समाज विराट पुरुष है और एक एक व्यक्ति हम लोग उसके अंग हैं। भारतीय परंपरा में समष्टि और व्यष्टि ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। व्यष्टि का अर्थ है व्यक्ति व्यक्ति, समष्टि का अर्थ है सारे व्यक्तियों का समूह। व्यष्टि व्यक्ति व्यक्ति ये जीव है और समस्त जीवों की सामूहिकता समष्टि ब्रह्म है। यहाँ देखो ब्रह्म बैठा है, विराट पुरुष बैठा है, भगवान का विराट पुरुष नहीं, प्राणियों का विराट स्वरूप। भगवान का विराट स्वरूप तो काल्पनिक है, इसी मंत्र के आधार पर प्रभाव पड़ा तो गीताकार ने कृष्ण के अंग में ही विराट पुरुष का दर्शन कराया और गोस्वामी जी ने राम के मुंह में ही विराट पुरुष का दर्शन कराया। ये दोनों उनका एकांगीपन है, लेकिन वेद का जो विराट पुरुष है वो एकांगी नहीं है और एक संप्रदाय की चीज नहीं है। राम उपासक ये मान सकते हैं राम ने मुंह खोला तो उसमें विश्व दिखाई दिया, कृष्ण उपासक मान सकते हैं कि कृष्ण के शरीर में विराट संसार दिखाई दिया, ये काल्पनिक है। लेकिन ये प्राणियों का समूह जो फैला है ये विराट पुरुष है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए वेद का विराट पुरुष सार्वभौमिक है, सार्वजनिक और सर्वसम्मत है। ये विराट पुरुष हरि है, इसकी सेवा करो, इसमें लगो। आपके आसपास कोई जीव जंतु हो किसी को न सताओ। मनुष्य तो प्रेम करना ही है, अन्य प्राणियों को भी न सताओ। चलते फिरते उठते बैठते नहाते टट्टी पेशाब जाते काम करते खेती बाड़ी मकान बनाना बहुत कुछ काम है, इसमें जीव मर जाते हैं। लेकिन काम करने वाले मन जीव मारने के नहीं है, अपनी शक्ति चले तक सब जगह जीव बचाओ, किसी को तकलीफ न दो। शक्ति के बाहर है तो मजबूरी है। किसान हल चलाएगा, आप स्नान कर रहे हैं, चींटियाँ उसमें डूब रही हैं, अपने शक्ति चले जहाँ ज़्यादा चींटियाँ वहाँ से हट जाओ। रास्ता चलते हैं पैर तो जमीन में ही पड़ेंगे, शक्ति चले तक बचाओ। ये विराट स्वरूप परमात्मा, इसका आदर करो, किसी को धोखा ना दो। घूस लेना, मिलावटबाजी करना, बेईमानी बदमाशी करना, कट शब्द कहना, किसी को सताना, ये विराट भगवान को तकलीफ देना। लेकिन लोगों ने उपासना इसी बना रखी है कि जो खाता नहीं है उसको खिलाते हैं और जो खाता है उसकी जेब से छीनते हैं। जो खाता है वो विराट पुरुष भगवान है और उसकी जेब से छीनते हैं, और जो खाता नहीं है शून्य आकाश निराकार या पत्थर की मूर्तियाँ उसको खिलाते हैं। तो ये नहीं चलेगा। असली भगवान घट घट में बैठा हुआ है, इस विराट पुरुष का आदर करो। और ये हरि है, विराट पुरुष हरि है। बोध की दृष्टि से सदगुरु संत हरि हैं, उनमें लगो, भक्ति करो। अवंदता हरि अपना आत्मा है, बाएं दहने सजो विकारा निज के हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुरखाया पूछे सो क्या कहिया।
बाएं दहिने सब प्रकार का विकारों का त्याग करो और निज के हरिपद गहिया, निज तत्व आत्म तत्व ही हरिपद है, हरि स्वरूप है, परब्रह्म है, उसमें स्थित हो। कहें कबीर गूंगे गुरु खाया पूछे सो क्या कहिया। किसी ने पूछा कि महाराज जब कोई हरि में लीन हो जाता है वो कैसा अनुभव रहता है, साहिब ने कहा गूंगा गुड़ खाए तो क्या बताएगा, इसको बताया नहीं जा सकता, इसमें रहा जा सकता है। स्थूल चीज़ों का अनुभव बताना मुश्किल है। एक मिठाई आपको दी गई खाने के लिए, कोई पूछता कैसे लग रहा है, आप कहेंगे बहुत मीठा है, कि आखिर लगता कैसे है, तो आप क्या कहेंगे, कैसे बतावे, इतने कह सकता मीठा है, अच्छा है, बढ़िया है, बस। अब आप भी जीभ पर रखें तो पता लगे। तो हरि अंतिम हरि आपका आत्मा है, बाहरी विराट स्वरूप परमात्मा ये प्राणियों का समूह है, इसका आदर करो। बोध की दृष्टि से हरि सदगुरु है, संत हैं, उनका आधार लो, बोध वहीं से मिलेगा, सत्प्रेरणा वहीं से मिलेगी। अवंदता हरि अपना आत्मा है, अपने आत्मा में लीन हो। नर हरि लाग दव विकार बिन ईंधन, दव कहते हैं जंगल को और दव कहते हैं जंगल में लगी हुई आग को, पूरा शब्द दावाग्नि है, दव की आग, दव नाम जंगल, आग नाम आग, दावाग्नि जंगल की आग, लेकिन दव कहने से भी दावाग्नि मानी जाती है। नर हरिलाग दव विकार बिन ईंधन, दावाग्नि तेरे अंदर लगी हुई है, उसमें ईंधन नहीं है, दावाग्नि ईंधन में लगती, दव जंगल, जंगल तो ईंधन अपने आप है, लकड़ी है, पत्ते हैं, बाहर की आग ईंधन से लगती है, चाहे लकड़ी पत्ते हों चाहे पेट्रोल तेल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो दावाग्नि लगी हुई है वो ईंधन के बिना है, विकार है, विकार ही ईंधन है। विकार क्या, मनोविकार, क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, चिंता, उद्वेग, ये मानसिक विकार की दावाग्नि तुम्हारे अंदर में लगी हुई है। मिले न बुझावनहारा ऐ मनुष्य, ये तेरी दावाग्नि को बुझाने वाला कोई मिला नहीं, बुझाने वाला पूर्ण पुरुष है। पूर्ण पुरुष का अर्थ क्या होता है, जो पूर्ण आत्म संतुष्ट है, जिसका चित्त निरंतर निर्मल है और आत्म तृप्त है, आत्मलीन है, वो पूर्ण पुरुष है। सदगुरु ने बीजक में कहा है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलो आवे खोए। पूरे साहेब की सेवा करो, सब विधि से पूरा होगा, ओछे से नेह लगाओगे तो मूल भी खो जाएगा, छिछले गुरु से प्रेम करोगे, जिसका मन स्थिर नहीं, तन स्थिर नहीं, बोध नहीं, तो भटक जाओगे। सदगुरु, पूरा सदगुरु कौन है, जिसका बोध सही है और रहनी सही है। वेदांती लोग कहते हैं श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु करो, पारखी कहते हैं बोधवान रहनी संपन्न गुरु करो, ये दोनों की भाषा का अंतर है, बात एक है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्री का अर्थ है जो बहुत सुना हो, पहले पुस्तकें नहीं थी, गुरु कहते थे शिष्य सुनता था और सुनते सुनते ज्ञान बढ़ता था। हजरत मोहम्मद ने जो बातें कही हैं वही हदीस है, और एक दूसरे से कहे हदीस, हर हदीस की शुरुआत में लिखा गया है, मैंने ये सुना है कि हजरत मोहम्मद ने अमुक से कहा, उन्होंने उनसे कहा और उन्होंने इनसे कहा,
तो इस प्रकार आता है। तथागत बुद्ध के जातक कथाओं में भी ऐसी बात आती है। तो पहले सुन सुन के सब याद करते थे। तथागत बुद्ध ईसा के 500 वर्ष पहले शरीर छोड़े हैं और उनके विचार लिखे गए हैं ईसा के जन्म के तत्काल पहले। ईसा जब जन्मे हैं उसके पहले 100 वर्ष के अंदर में लिखे गए हैं, 400 वर्ष के बाद लिखे गए हैं। जैसे कबीर साहब के उपदेश अब लिखे जाएं, कबीर साहब शरीर छूटे करीब करीब 500 वर्ष हो रहे हैं, अब जैसे लिखे जाएं, बुद्ध के विचार उनके निधन के 400 वर्ष बाद लिखे गए, 450 वर्ष बाद। त्रिपिटक जितना है पूरा ग्रंथ वो सब 400-500 वर्ष बाद लिखा गया है। तो पहले पुस्तकें नहीं होती थी, अभी 100 वर्ष के पहले कापी में लिख लिख करके प्राइमरी के अध्यापक बच्चों को पढ़ाते थे। पुस्तकों का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ा है। श्रोत्री का मतलब है बहुत सुनने वाला, अपने गुरु से संतों से खूब सुना है तो ज्ञानी हो गया। तो श्रोत्री हो गुरु यानी पूरा ज्ञानी हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब आत्मनिष्ठ, आत्मलीन, आत्मतृप्त हो। पारखी संत कहते हैं बोधवान और रहनीवान हो, बोध हो अपने स्वरूप का। कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। नानक साहब ने कहा बिना आपा पहचाने भ्रम की काई न मिटे। आपा अपना स्वरूप, बोधवान हो गुरु, और साथ साथ वह रहनी संपन्न हो, आत्मसंतुष्ट हो, उसके मन का कलह समाप्त हो गया, ऐसा गुरु की जरूरत। ऐसा गुरु पूर्व गुरु है, इसी को साहेब कहते पूरा साहेब से ये। तो बाहर का जो बोधदाता सदगुरु है वो हरि है, उसकी शरण में लगो, अंततः अपने आत्मा में लगो, आत्मलीन हो। मिले न बुझावनहारा, अय आदमी तेरी दावाग्नि को बुझाने वाला कोई मिला नहीं, तू जल रहा है। हर आदमी अंदर अंदर जल रहा है, मन की प्रतिक्रिया में चल रहा है। जीवन की सफलता है, विशाल देव ने कहा है, बोध वही जो कि माने नहीं मन का, ज्ञान वही जो कि गांसे फिरे मन का। मन उठाता धरता रहता है व्यर्थ की बात, मन उठावे धरे कुछ नहीं, शांत रहे। आप कहेंगे ये कैसे होगा, कुछ तो करेगा। जब आपका बल इतना हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मन शांत, मन पर पूरी स्वस्थता हो जाती है। जितना आप मन में सोचते हैं वो व्यर्थ रहता है, काम की चीज़ बहुत थोड़ी रहती है। कोई प्रोग्राम करना है, कोई काम करना है, उसके लिए सोच लो। बाकी तो पत्नी से आप मन ही मन में झगड़ते हो, देवियां अपने पति से मन ही झगड़ती हैं, सास से, ननद से, देवरान से, जठान से, बहू से, मित्र से, भाई से, पिता से, पुत्र से, संबंधित व्यक्तियों से आदमी अपने मन ही मन में झगड़ता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, चार महीना, साल भर, दो साल, जो सोचता है वो बिल्कुल निरर्थक रहता है, कोई मतलब नहीं। जो सोचता है वो कह भी नहीं पाता है, कहीं कहता है तो थोड़ा और सोचता है पर्वत बराबर। यही बंधन है। जो इस चीज़ को समझता है, मन को हरदम देखता है, समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन है। अगर हम विनम्र हो जाएं, निष्काम हो जाएं, अपने मन के धुंध को शांत कर दें, अपने मन के अहंकार को मिटा दें, तो हम शीतल हो जाए और बाहर की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
समस्या तो हमारा मन बना है, हम निरर्थक उद्वेगित हैं। अगला आदमी जैसा है वैसा है, अगर उसका संपर्क है तो शांति से काम बात कर लो, उद्वेगित होगे तो और खराब होगा। अगला आदमी ज़्यादा उद्वेगित है तो आप भी उद्वेगित होगे और बढ़ेगा। आप शांत रहो, जब अवसर समझो तो उसको कुछ राय विनम्रता से दे दो, ना अवसर समझो मौन रहो, अपने मन की आग को बुझाओ। सबके अंदर में दावाग्नि जल रही, मानसिक उद्वेग अशांत, सब कला में पड़े हुए हैं। अंदर का कला है इसलिए बाहर कला होता है, अंदर का कला जिसका समाप्त हो गया बाहर कला नहीं होता है। और अंदर कला क्यों है? अहंकार और कामना से। जितनी मात्रा में ज़्यादा अहंकार है, ज़्यादा कामना है, उतनी मात्रा में अंदर में कला है, और वही दावाग्नि है। भोग की इच्छा है, सम्मान की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, मलकई की इच्छा है, ऐसा बेकार की बात है। जिन बातों को आप सोचते हैं कुछ दिन में शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। देह रहते रहते बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। आज से 70 वर्ष पूर्व की मेरी समस्या नहीं है, 60 वर्ष, 50 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं, 30, 20, 15, 10 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं, 5 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं, 1 वर्ष पूर्व की समस्या नहीं, कल की समस्या नहीं है। कल की समस्या मर गई, सब मरता चला जा रहा है, और एक दिन ये मिट्टी का पिंड टूट जाएगा और सारी समस्या खत्म। लेकिन मन में समस्या बनी है तो बीज है। अगर मन शांत नहीं हुआ, मन आत्मलीन नहीं हुआ, तो फिर बीज अंकुर पैदा करेगा, फिर देह में आके जीव भटकेगा। जो इसी देह में रहते रहते बीज को भून देगा, वासना को दग्ध कर देगा, समस्या नाम की चीज है ही नहीं। या आपा को डार दे, दया करे सबको, अपने मन के अहंकार को डाल दो, सब दया करेंगे। नम्र तो बन जाओ, नम्र बनना सीखो तो, कामना छोड़ो, निष्काम हो जाओ और निर्माण हो जाओ, सिर झुका लो सबसे, देखो कितना आनंद आएगा। अहंकार सिर झुकाने नहीं देता है। मोक्ष का रास्ता विनय का, सिर झुका लेने का। मोक्ष का अर्थ कुछ लोग मानते हैं धार्मिकों का काम है। मोक्ष तो जीव को प्रिय है, सब जीव को मोक्ष प्रिय है, जाने अनजाने शांत सब चाहते हैं, परम शांत। परम शांत के समान सुख कुछ नहीं, वही मोक्ष है। जिसकी तृष्णा आज मिट गई है, जिसके मन में क्रोध काम लोभ मोह कुछ नहीं, किसी से बैर नहीं, मोह नहीं, निर्मल मन, निर्भय हो गया। अब देह को बचाने की चिंता, मार दे कोई देह को मारना चाहे, देह में क्या रखा है? जब तक ये देह है तब तक हमें विवशता ही है। बोधवान देह की चिंता नहीं करता, देह जब तक है उसकी परवरिश करता है, साफ रखता है, खिलाता पिलाता है, इसकी ज़रूरत है। लेकिन ये चिंता नहीं रहता है कभी मिट जाएगी, चाहे जब मिट जाए, पहले से मिटाए रहता है। देह को तुच्छ समझता है, जैसे कि तुच्छ है। आत्मा इस देह में है तो लोग प्रेम करते हैं, अभी जीव निकल जाए कोई प्रेम नहीं करेगा। औपचारिकता से लोग देखने आते हैं, देखने भी मुर्दा को देखने का मन किसी का नहीं करता है, छूने का मन नहीं करता है, लेकिन औपचारिकता से छूते हैं, देखते हैं। जीव निकला अरे बेकार हुआ। जिसकी दृष्टि में ये सब समय बेकार लगता है वो मुक्त हो जाता है, वो क्लेश रहित हो जाता है।
हर समय देह के अहंकार से मुक्त आत्मा कृतार्थ है। तुम्हें सदगुरु कोई नहीं मिला, मिले न बुझावन हारा, लेकिन सदगुरु मिल जाए और अगर हम उनके आदेश के अनुसार न चलें तो कैसे बुझेगा? सदगुरु बताएगा, काम करना पड़ेगा हमें खुद। सदगुरु की वाणी है और उसका ऊंचा आदर्श है, वो बताता है और स्वयं निष्काम और शांत आत्मा है। अब आप प्रेरणा लो, आप समझ ही न पाओ। जीवन मुक्तों को सब कहाँ समझ पाए हैं, बुद्ध को सब नहीं समझ पाए, नानक को सब नहीं समझ पाए, महावीर को, कबीर को, शंकराचार्य को, किसी को भी सब कहाँ समझ पाए हैं। उनके ज़माने में ही उनके कुछ चेले ही रहे जो उनका विरोध करते रहे, तो सब समझ भी नहीं पाते। जो समझे वो धन्य है। गुरु को समझे और गुरु से निर्देश ले। गुरु पूरा होना चाहिए, बोधवान और आत्म तृप्त हो और उसको आप समझें और उससे प्रेरणा लें, वचन से और उनकी रहनी से, और खुद करें। क्योंकि सब अपनी अपनी आग के निर्माता और दृष्टा हैं। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब कहते, अ इंसान, मैं जानता हूँ तेरी आग तेरे से लगी है। घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने, आपने गीत में कभी सुना होगा, घर के चिराग ने घर में आग लगा दी। हमारे अंदर की अहंता ममता के कारण हमारे जीवन में आग लगी हुई है। जितना अहंकार उतनी जलन, जितनी कामना उतनी जलन। ये गणित की तरह, गणित परम विज्ञान है। विज्ञान में कितने ऐसे अंश हैं जो अनुमानिक हैं, अनुमान से सब गढ़ते हैं, लेकिन गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें दो मत दुनिया में नहीं, दो दो चार सबको मानना पड़ता है। इसी प्रकार ये गणित की तरह है, जितनी मात्रा में अहंकार करो उतनी मात्रा में अंदर जलो, जितनी मात्रा में कामना करो उतना जलो। साधु महात्मा जब ये सोचते मैं दुनिया को जगा दूंगा तो वो भी जलते हैं। वो इस तृष्णा में जलते हैं कि अभी लोग नहीं चेत रहे हैं, भड़भड़ाते हैं, दुनिया को कोई आज तक जगा पाया है? कोई नहीं जगा पाया। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक गोरखपुरी, रघुपत साहब फिराक गोरखपुर के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उर्दू के तो बहुत बड़े विद्वान थे, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। 1969 में गोरखपुर में ही कबीर मेला लगा था, उसमें हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। उर्दू में उन्होंने एक काव्य लिखा था जिस पर सरकार ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया था। उर्दू के बहुत बड़े कवि थे, जवाहर गांधी के साथी। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, उन्होंने कहा, आदम के नस्ल ने, मनु की वंश परंपरा ने हजारों खिज्र, खिज्र नाम उपदेष्टा, गुरु पैदा कर दिया। ये सब तस्लीम, ये मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आदमी अब तक भटकता है, सब भटक रहे हैं। तो क्या वो निष्फल हैं? निष्फल नहीं है, उन्हीं लोगों की कृपा है जो हम लोगों की आंखें खुली हैं। वे लोग न होते तो हम लोगों की आंखें न खुलते। ये जो दुनिया के गुरुजन हैं इन्होंने हमें जगाया, लेकिन जो जगना चाहे वही जगेगा। कितने लोग जगते हैं और कितनी मात्रा में जगते हैं? तो उपदेष्टाओं को जो ये तृष्णा में सबको जगा दूंगा, वो महाभ्रम में। साधक को चाहिए साधना करके अपना पूरा उद्धार कर ले और फिर दूसरे की सेवा करे। जो कुछ हम कहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उससे लोग लाभ लेते हैं, ये बड़ी खुशी है। लेकिन हमें ये तृष्णा नहीं होनी चाहिए हम सबको जगा देंगे।
अपना पूरा जग सकते हैं और जग करके जागे रह सकते हैं। साहब ने कहा संतो जागत नींद न कीजे, ऐ संतो जागते रहो नींद न करो। तो अगर शुभ काम में तृष्णा बढ़ गई तो बंधन बन जाएगा, इसलिए शुभ करके अशुभ को जीतो, अशुभ का भी अहंकार छोड़ करके निर्माण रहो, अपने साधुत्व, अपनी भक्ति भावना, सेवा, ज्ञान, विवेक का अहंकार करोगे तो सब डूब जाएगा, सद्गुण दुर्गुण बन जाएगा। जैसे साहस ज़्यादा बढ़ गया तो दुस्साहस हो जाएगा। किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा, एक साहसी आदमी लड़के को हटा करके लड़की की रक्षा कर दी, सब नहीं कर पाएंगे, डरेंगे, लेकिन एक साहसी है और डांटेगा उसको, समझाएगा और लड़की की रक्षा कर लेगा, ये साहस है, ये हितकारी है। दुस्साहस है कि लड़की को लेके भाग गए, तो साहस दुस्साहस जब हो जाता है तो सद्गुण से दुर्गुण में बदल जाता है। साहस तक ठीक है, दुस्साहस नहीं होना चाहिए। शुभ गुण अच्छे हैं, लेकिन शुभ गुण का अहंकार हुआ तो दुर्गुण बन जाएगा। साहब कहते मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, मैं जानता हूँ अ इंसान तेरी आग तेरे से लगी है और सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है, सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। ये भी कबीर साहब की साखी है, सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलता है जिससे लग करके शीतल हो जाए। तो क्या निराश है, निराशा की स्थिति है, ऐसी बात नहीं। ये सामान्य के लिए साहब ने कहा, जिससे लग करके शीतलता मिलने वाली उसके लिए भी कहा, संत बिरच सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। ऐ कबीर उठ करके वहाँ मिलो जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है, वही इंसान आपकी रक्षा कर सकता है जो स्वयं शीतल हो। जो जल रहा है वो क्या करेगा बेचारा, हो तो उसकी संगत से और जलोगे। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, सारा संसार अपने मन के विकारों की आग में जल रहा है। साहेब प्रमाण देते हैं, कोई कहा कि महाराज जब अपने से आग लगी है, अपने ही में आग है, तो आग बुझेगी नहीं फिर, ये तो अपनी ही आग है। साहेब ने कहा घबराओ नहीं, पानी माहि अग्नि को अंकुर जरत बुझावे पानी। पानी में अग्नि का अंकुर होता, अंकुर का अर्थ है अंश, जैसे गर्म पानी खौला करके पानी रखा है तो उसमें आग का अंकुर है, आग का अंश है, लेकिन ऐसा गर्म पानी भी आग पर डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है। जब पानी गर्म है तो आग को कैसे बुझा सका, पानी गर्म नहीं है, पानी ठंड है, वो आग का अंश मिल गया है इसलिए गर्म लगता है, और पानी ने अपना काम कर दिया, आग पर जैसे डाले आग बुझ गई। आप में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, चिंता है, उद्वेग है, अशांति है, घबराओ मत, आप ही इस आग को बुझा लेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव शीतल है, ये तो प्रक्षिप्त है, जो विकार हैं ये बाहर से पड़े हैं, और आपका जो मौलिक स्वरूप है वो शीतल है, जैसे पानी का स्वरूप मौलिक शीतल है, आग बाहर से आई हुई है, आग खत्म हो जाएगी, पानी गर्म पानी कैसे रख दो धीरे धीरे ठंड। आप में मौलिक रूप में कोई विकार नहीं है, अगर आपकी मूल स्वरूप में विकार होता तो कभी नहीं निकलता,
कोयला होए न उजरो सौ मन साबुन लाए। सौ मन साबुन से कोयला धोया जाए तो भी उजला न होगा, तो 150 मन साबुन से तो होगा। लेकिन यहाँ 100 का अर्थ नहीं है, यहाँ चाहे जितना साबुन से तुम कोयला को धो। जैसे शरणाचार्य ने भाष्य में कहा, अभी कहा था मैंने वेद का, कि 1000 सिर विराट पुरुष के हैं, तो 1000 की बात नहीं है, अर्थ है असंख्य। तैसे यहाँ 100 मन कहा गया तो 100 मन का अर्थ नहीं है, चाहे जितना कोयला, चाहे जितना साबुन से कोयला धो, कोयला उजला नहीं होगा। अगर आपका आत्मा कोयला होता, पूरा का पूरा भ्रष्ट होता, तो फिर कभी आप शुद्ध न होते। आपका स्वरूप निर्मल है, आपकी मौलिकता पवित्र है। ये काम क्रोध लोभ मोह प्रक्षिप्त हैं, पड़े हुए हैं, बाहर से कचड़ा, इसलिए इसका निवारण हो जाएगा। कपड़े में दाग लग गया है तो साबुन से धुल जाएगा, कोयला नहीं धुलेगा। आपका मौलिक स्वरूप क्रोध रहित है, काम रहित है, इसका आप स्वयं विवेक से विवेचन करें। काम के बस आप हर समय नहीं रहते हैं, कई समय आप रहता है एकदम निष्काम मन निर्मल, लेकिन जब काम का विकार आया तब उद्विग्न होते हैं। किंतु विचार है तो काम का विकार मिट जाएगा। काम के विकार के आरंभ में स्मरण है, स्मरण के बाद प्रियता, और प्रियता के बाद विकार। एक पुरुष है, एक सुंदरी स्त्री की याद करता है, याद आई और याद को खारिज कर दिया, कुछ नहीं होगा। लेकिन याद आई और उसमें प्रियता भी आ गई तब भी दूर कर दे तो ठीक, और प्रियता भी जपते रहे तब विकार आ जाएगा। तो ये तो क्रमशः आते हैं, आप सावधान रहिए। काम अगर आपका स्वरूप होता तो आप हर समय काम ही रहते, हर समय काम ही तो नहीं है। इसलिए काम आपका स्वरूप नहीं। क्रोध आपका स्वरूप होता तो हर समय क्रोध ही रहते, क्रोध आया और गया। ऐसे जितने मनोविकार हैं ये सब आए हुए हैं, लदे हुए हैं, आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप तो निर्मल है। अगर काम हमारा स्वरूप होता तो हमारे लिए दुखदायी नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप होता वो विरोधी नहीं होता है। आग आग को जलाती नहीं, दूसरी वस्तु को जलाती है। पानी स्वयं को ठंडा करके कष्ट नहीं देता है, दूसरे को ठंडा करता है। अगर विकार हमारा स्वरूप होता तो विकार में हमें कोई कष्ट न होता। कष्ट होता है इसलिए वो सजाति नहीं है, विजाति है, वो स्वरूप नहीं है, विकृत है। इस तत्व को समझें। कुछ लोग मानते हैं काम की निवृत्ति नहीं हो सकती। मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है भूख प्यास नींद काम ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये गलत पढ़ाया जाता है। भूख स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्यास स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नींद स्वाभाविक प्रवृत्ति है, काम स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। काम मनोविकार है। स्वाभाविक प्रवृत्ति अगर काम हो तो काम को कोई जीत नहीं सकता है, और काम को पूर्ण जीत लेने वाले इस दुनिया में सदा रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सामान्य साधक स्थूल क्रिया को तो छोड़ दिया, लेकिन मन में विकार आता है तो समझता है मन का विकार तो आएगा ही, लेकिन वास्तव में उसकी साधना भी कच्ची है। जब पक्की हो जाएगी विकार भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा पुरुष भी सावधान रहता है। जब तक संसार और शरीर है, यानी संसार में शरीर है, तब तक सावधानी की हर समय ज़रूरत है, लेकिन वो निर्मल मन का रहता है। विकार जितने हैं वो सब निर्मित हैं, मेरे स्वरूप में नहीं है। साहब कहते हैं गर्म पानी भी आग को बुझाता है। इसी प्रकार कामी आदमी, क्रोधी आदमी, लोभी आदमी, हिंसकी आदमी निष्काम निर्माण निष्क्रोध निर्मल हो जाता है।
क्योंकि आदमी का जो मौलिक स्वरूप है वो विकार नहीं है, निर्मल है। इसीलिए निर्मलता के तरफ बराबर हमारी अभिरुचि है। मछली को पानी में से निकाल के बाहर रख दिया जाए तो छटपटाती है, वो पानी में पहुंचना चाहती है। सबकी आत्मा परमानंद परम शांत से निकल गई है और वो छटपटाती है और उसी परमानंद में वो पहुंचना चाहती है। ये कहने में द्वैत लगता है, परमानंद कहीं अलग है, मैं कहीं अलग हूँ। मनोविकार अपना बनाया है और हम इसको मिटा सकते हैं। गर्म पानी भी आग को बुझाता है, ऐसे कामी आदमी काम को जीतता है, क्रोधी आदमी क्रोध को जीतता है, भवसागर में बहने वाला आदमी भवसागर से ऊपर उठ जाता है। इस भवसागर को पार कर लेने वाला सच्चा इंसान है। भवसागर क्या है? मन का प्रवाह, जो मन में हरदम चलता रहता है उसको जीत लेना। धीरे धीरे होगा, एक लागे नहीं होगा, घबराओ ना, जीतना शुरू तो करो। उसकी प्रक्रिया है, संक्षेप में मैं कहा करता हूँ, सेवा स्वाध्याय साधना, इसकी त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करना। सेवा परायण रहो, आलसी न रहो, अपनी श्रेणी और शक्ति के अनुसार परिश्रम करो। जहाँ रहो, जहाँ जाओ तहाँ। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बड़े कहलाने वाले हैं और तुरंत ही मोटा काम में लग जाते हैं। एक जगह में था, बड़े आदमी उप थे, बड़े आदमी कहलाते हैं लोग, बड़े होते हैं, धन है, विद्या है, और कुछ है, पद है, स्वयं चटाई बिछा रहे थे सबके लिए। श्री कृष्ण महाराज ने राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर की जब काम का बंटवारा हुआ तो उन्होंने लोगों के पैर धोने का काम लिया कि जो आगंतुक आएंगे उनके हम पैर धोएंगे। तो आप सबका पैर तो कृष्ण महाराज कहाँ तक धोएंगे और कौन धुलवाएगा उनसे, लेकिन कुछ लोगों का धोए होंगे। जो कि सिर मुकुट थे उन्होंने पैर धोने का काम लिया। संत ईसा ने एक बार अपने शिष्य का पैर धोया शिष्य तो पैर कैसे धुलाए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें धुलाना पड़ेगा। पता नहीं क्या रहा होगा, उनका कुछ सीख देना होगा किसी को कि पता नहीं, बाइबल में बात आती है। उन्होंने अपने शिष्य का पैर धोया। सेवा परायण रहो, कहीं भी रहो सेवा परायण रहो। हमारे बाद यहाँ संत कहते नहीं हैं कि भाई यहाँ से भोजन में जाओ तो जो योग्य हो वो भोजन परोसने में लग जाओ, कुछ लोगों को खिला दो तब स्वयं खाओ, आपको दो लाभ मिलेगा। अंत में खाने तो मिलेगा ही और मन की पवित्रता पहले मिल जाएगी जब सेवा करोगे। हर जगह, घर में, वन में, कहीं भी रहो सेवा परायण रहो। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, जो सेवा नहीं करता चित्त शुद्ध नहीं होगा। रोज आप खाते हैं, खाने से आपका पेट भर भरता है, मन पवित्र नहीं होता है, लेकिन एक दिन आप किसी को खिलाएं तो देखें आपका मन कितना खुश होगा। तो सेवा परायण रहो, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, विद्या से, वाणी से, जितना संभव हो दूसरे की सेवा करो। और दूसरी बात, स्वाध्याय, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो। ये सब मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ, सेवा से जो मुझे लाभ मिला और स्वाध्याय से, आज भी स्वाध्याय नहीं छोड़ता हूँ। खूब स्वाध्याय करो, ज्ञान के ग्रंथों का खूब अध्ययन करो। और साधना, अपने मन को वश में करने के लिए सदैव ध्यान रखो, उठते बैठते चलते फिरते अपने मन को देखते रहो, मन दगाबाजी करने न पाए, बेकार का सोचने न पाए, काम वासना न सोचे, क्रोध न सोचे, द्वेष न सोचे, किसी की ईर्ष्या न करे, क्योंकि इसमें अपना नुकसान है। साथियों के प्रति ईर्ष्या, किसी के सम्मान देख करके ईर्ष्या, विवेक अगर न हो तो गुरु का ऐश्वर्य देख करके शिष्य के मन में ईर्ष्या होती है और शिष्य का ऐश्वर्य देख करके गुरु के मन में ईर्ष्या होती है।
गुरु भाई का ऐश्वर्य देख करके गुरु भाई को ईर्ष्या होती है, पति के ऐश्वर्य से स्त्री को ईर्ष्या, और स्त्री को ऐश्वर्य है तो पुरुष को ईर्ष्या। अविवेक है तो ईर्ष्या कहीं भी उदय हो सकती है, और ईर्ष्या हमें खाएगी, वो हमारा कालुष्य है, हमारा पतन करेगी। सदैव मन को देखो, कितने समय तक मन स्वच्छ रहता है, इस पर अपना हिसाब किताब लगाओ। जब से नींद खुले और सो न जाओ रात में, हर समय हिसाब लगाओ, देखो कितने समय मन स्वच्छ रहता और कब गंदा हुआ। ये असली भजन है, राम राम अल्लाह अल्लाह तो कहना ठीक है, जो कोई शब्द मानते हैं वो कहते रहें, उसमें परहेज नहीं है, लेकिन असली भजन है। साहेब ने कहा है, चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चौपर खेल सबके अंदर में हो रहा है, मन बुद्ध चित अहंकार इसकी चाल अंदर में हर समय हो रही है। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म का पासा डारा, जन्म का पासा सबके ऊपर पड़ रहा, दम दम की कोई खबर न जाने, सांस सांस में अंदर में क्या चल रहा है किसी को सवास नहीं। पंडित हैं, महात्मा हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगतगुरु हैं, बड़ा बढ़िया है, अच्छा है, अंदर में क्या चल रहा है। हमारी लोग आरती उतार रहे हैं, आरती उतारने वालों की विशेषता, हमारी विशेषता नहीं, हमारे अंदर में क्या चल रहा है। आरती उतारने वाले अगर श्रद्धा से उतारते हैं तो उनका मन शुद्ध होता है, और आरती में हमें आनंद है अपनी आरती कराने में, तो जानो मानो हम नरक में बैठे हैं। वो आरती कर ली ठीक है, उनका मन है, हमारी आरती हो तो हमें उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, हमें तो समझ जाना चाहिए। ठीक है भाई, कर लें आरती, सिस्टम है। विवेकवान अपनी आरती कराना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन जिस समाज में सिस्टम है, विवेकवान को मौन होकर स्वीकार लेना पड़ता है। अपने मन को हरदम देखो, आपकी उपलब्ध जीवन की चित्त की पवित्रता। पैसा ज़्यादा मिल गया, आप मार फूला घूमते हैं, पैसा तो सबको काम भर का मिलता रहता है, वो काम होता रहता है, कोई ज़्यादा कोई कम। पैसा मिल गया ठीक है, पैसे की ज़रूरत है, एक महात्मा भी बस ट्रेन पर बैठेगा तो टिकट कटाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा चेकर पकड़ करके जेल में डालेगा या जुर्माना लेगा। तो पैसा का अपना मूल्य है, अन्न पानी का मूल्य है, मेहनत करो, गुजर बसर की चीज़ों को रखो, खर्च करो, सेवा करो, अच्छा है, लेकिन वो उपलब्धि नहीं है। विद्वान हो गए तो कोई उपलब्धि नहीं है, विद्वान हो गए ठीक है, विद्या से सेवा करो, ऐसे गिन करके कहाँ। कोई गुरु बाबा हो गए, महात्मा है, और बड़ा गुरु हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, कोई उसका महत्व नहीं है उसके अपने जीवन के लिए, दूसरे के लिए महत्व है लेकिन उसके लिए नहीं है। उसका महत्व है जब वो सदैव मुक्त रहे। मेरी पुस्तकें देश विदेश में मंगाई जा रही, लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। अब अगर मैं पूरा कल्याण रूप में नहीं हूँ तो पुस्तकें आज और आगे दूसरे के हित करती रहेंगी और मैं घोटाले में पड़ जाऊँगा, ये पुस्तकें मेरा उद्धार नहीं करेंगे। पुस्तकों में जो मैंने लिखा है उसका सार थोड़े में है, अनासक्त होकर के आत्मलीनता, ये काम मैं करता हूँ बस, तब मेरा बेड़ा पार है। और इसमें कहीं ढील हुआ, महिमा होती रहे, शरीर तो जाने वाला है थोड़े दिन में, आज काल दिन कहीं कि मस्त ना ही शरीर, जवान का शरीर छूटता है, शरीर तो बूढ़ा हो गया है। अब आगे ये पुस्तकें सबका लाभ करती रहें और मैं अपनी दशा में न रहूं तो पुस्तकें मेरी क्या उपलब्धि है। कोई भी दुनिया की उपलब्धि शुभ अशुभ मेरी उपलब्धि नहीं है, मेरी उपलब्धि है निरंतर चित्त स्वच्छ रहना, अवात्म संतुष्ट रहना, परम आनंदमय, परम शांत, ये जीवन की परम उपलब्धि है। और ये बड़ा सरल है, और कोई चीज़ सरल नहीं।
मैं कोई ऐसा प्रबंध नहीं करता हूँ कि मेरी पुस्तकें सदैव छपती रहें फैलती रहें। जो प्रबंध है हो गए, अब आगे जाना, छपे न छपे कोई हर्ज नहीं। ये आश्रम चलता रहे ये मेरे स्वस्थता की बात नहीं, चले न चले पीछे वाले जाने। एक चीज में मेरी स्वस्थता है, मैं सब समय मुक्त रहूं और यही अपना असली काम है। जहां ढपी सदा के लिए इनके दर्शन होने का संभव नहीं और इनसे कोई मतलब नहीं, मैं शरीर छोड़ करके 50 बरस के बाद फिर यहाँ हूँ, कोई मुझे जानेगा नहीं। अगर मैं कहूँ भाई मैंने ही यहाँ पर आरंभ किया था, लोग कहेंगे आप धोखा दे रहे हैं। कैसा संसार कच्चा है, झूठ झूठा कह डारहू मिथ्या यह संसार, ते ही कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। सदगुरु कहते जीवन कैसा है सपना, जीवन सपन समाना। हमारी परम उपलब्धि है चित्त का निरंतर निर्मल रहना और ये हमारी स्वस्थता की बात है। अपने मन को देखते रहें, निष्काम और निर्माण रहें तो हमारा मन स्वच्छ रहेगा। अहंकार आएगा बस गंदा हो जाएगा, कामना आएगी बस गंदा हो जाएगी। निष्काम होकर के जीने में नुकसान नहीं होता है, जो निष्काम रहता है उसको भी भोजन मिलता है। सेवा तो पहले कही गई, सेवा तो करना है सबको, सेवा प्राण रहना है। जो सेवा नहीं करता उसका भी पेट, आलसी भी पेट भरता है, लेकिन वो निंदनीय है। सेवा प्राण होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु कबीर, गुरु नानक और जितने भी ये निर्गुणी धारा के संत हैं, ये कर्म करो के परम पक्षधर रहे। कर्म करने कभी नहीं छोड़ कहे हैं कि न करो। और वैदिक ऋषि भी इसी तरह रहे। कल मैंने कहा नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था के रोग ने ये संस्कार भारतवर्ष में डाला कि जो मोटा काम करे वो छोटा और अछूत है, और इसने भारत का बहुत बड़ा पतन किया। वेद के ऋषि हल चलाते हैं, गाय चराते हैं, कुआं खोदते हैं अपने हाथ से, मशीनें जो उस जमाने की थी बनाते हैं, कपड़े बुनते हैं, घर घर में कपड़ा बुना जाता है, सब काम स्वयं करते थे और ऋषि होते थे, ज्ञानी होते थे। कर्म करो लेकिन कर्म में मर्यादा रख। सुबह से शाम तक कर्मे कर्म में लगे हो तो साधना कब करोगे। 13 कार्तिक 3 आषाढ़ की बात अलग है। अब तो विज्ञान का समय आ गया, वो टूट गया है। जब विज्ञान वैज्ञानिक साधन से खेती नहीं होती थी तो 3 दिन में आषाढ़ की बुआई जो कर ले वो किसान, और 13 दिन में कार्तिक की बुआई कर ले वो किसान। अब तो जो गेहूं बोते थे कार्तिक में, अगहन में बोते, पूस में बोते, खूब काटते हैं। पहले कहते थे सावन सावा अगहन जवा, जितने बोए उतने भवा। सावन में कोई सावा धान बोए और अगहन में जव बोए तो जितना बोएगा उतने काटेगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आज अगहन पूस में गेहूं बो करके खूब काटते हैं। तो विज्ञान साधन से वो बदल गया है, लेकिन अर्थ यह है कि कभी आपको काम पड़े और सुबह से शाम तक काम में लगे रहें कोई हर्ज नहीं, लेकिन साल साल ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी काम ज़्यादा पड़ गया कर लो, बाकी समय एक मर्यादा रखो और अलग समय निकालो ध्यान चिंतन अध्ययन मनन का, तब काम बनेगा। तो आत्म शांति का काम करो, सेवा स्वाध्याय साधना करके जीवन की परम उपलब्धि चित्त की निर्मलता है। निर्मल चित्त में ही स्वरूप स्थित आत्मस्थित परम शांत परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें दुख नहीं रहता है। साहिब की 2 पंक्तियां मैंने कही, नरहरि लाग दो विकार बिन इंधन मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तू ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी,
तीन पंक्तियाँ कही। पानी में आग का अंश है, लेकिन ऐसा पानी भी आग को बुझा देता है, गर्म पानी भी। ऐसे आप में काम क्रोध लोभ मोह है, घबराओ ना, आपके स्वरूप में नहीं है, बाहर है। आप कामी क्रोधी हैं, लेकिन काम क्रोध को बिल्कुल मिटा सकते हैं। आपका आत्मा पूरा निर्मल है, इस चीज़ की याद करो और अभ्यास करो, फिर प्रसंग प्रसाद और चर्चा की जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मिला सुभाग से है मानव का तन, उबार हो सके ऐसा करो जतन। मिला सुभाग से है मानव का तन, उबार हो सके ऐसा करूं यतन, ऐसा करूं यतन। धीरवान ध्यानवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पांव हैं, नैना देख सके धूप छाँव है। मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पांव हैं, नैना देख सके धूप छाँव है, धूप छाँव है। आत्मा में बोधवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं जो सोच सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो सोच सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ जानवर नहीं, जानवर नहीं। प्राणियों में प्राणवान हूँ, प्राणियों में परखवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ।
मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। आदमी यही तो है महान बन गया, सत्य आचरण से भाग्यवान बन गया। आदमी यही तो है महान बन गया, सत्य आचरण से भाग्यवान बन गया, भाग्यवान बन गया। सत्य मैं विवेकवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। औरों के दर्द का आभास है मुझे, प्रेम भाई चारा की प्यास है मुझे। औरों के दर्द का आभास है मुझे, प्रेम भाई चारा की प्यास है मुझे, प्यास है मुझे। मैं अनंत शांतिवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। लेकर के मानव की कोख में जन्म, मानवता आए ना तब है शर्म। लेकर के मानव की कोख में जन्म, मानवता आए ना तब है शर्म, तब है शर्म। शील क्षमा दयावान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। और ये इंसानियत हासिल होती है अगर सौभाग्य से ऐसा सतगुरु मिल गया हो जैसा कि आपके सामने विराजमान है सतगुरु। सतगुरु की राह से आसान हुआ है, सतगुरु की राह से आसान हुआ है, जीवन का मेरे उत्थान हुआ है। सतगुरु की राह से आसान हुआ है, जीवन का मेरे उत्थान हुआ है, उत्थान हुआ है। चंद मैं कल्याणवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। चंद मैं कल्याणवान हूँ, इसलिए कि मैं
इंसान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। बोलिए सतगुरु साहेब की जय।